नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सम्मी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गोरखपुर न्यूज के सहप्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 10 जून को प्रस्तावित भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन की तैयारियों के मद्देनजर एडीजी जोन अखिल कुमार व मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने संबंधित अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण। कार्यों को जल्दी पूरा करने के लिए दिए आवश्यक दिशा निर्देश। उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद की 87वीं बैठक अध्यक्ष पंडित सुनील भराला की अध्यक्षता में हुआ संपन्न। कहा, श्रमिकों को जल्द ही मुफ्त कराया जाएगा धार्मिक यात्रा। अवैध खनन के मामलों में 3 ट्रैक्टर ट्राली एवं 1 लोडर व ट्रैक्टर इंजन को बड़हलगंज पुलिस ने किया बरामद। सीज कर की जा रही है विधिक कार्यवाही। भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य शाखा परिसर में विभिन्न बैंकों के कस्टमर आउटरीच मेगा ऋण मेले का किया गया आयोजन। नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने 350 लोगों को लगभग 200 करोड़ के ऋणों की स्वीकृति पत्र को किया वितरित। कहा, जन समर्थ पोर्टल उपयोग में है, बहुत आसान। उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष पंडित सुनील भराला मीडिया से हुए रूबरू। कहा, श्रम कल्याण परिषद के द्वारा श्रमिकों के बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए 25,000 प्रति सेमेस्टर की दी जाएगी सहायता। पात्र व्यक्ति ले सकेंगे लाभ। मार्कंडे चंद स्मारक यूनिक सनराइज यूपी स्टेट प्राइज मनी अंडर 13 बैडमिंटन प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। पूरे प्रदेश से लगभग 200 बालक बालिका कर रहे हैं शिरकत। एमएलसी सीपी चंद ने प्रतियोगिता का किया विधिवत शुभारंभ। और मंगलवार को जिलाधिकारी विजय किरण आनंद का स्कूली शिक्षा के महानिदेशक सहित अन्य पदों पर तबादला होने पर बुधवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में बधाई देने वालों की लगी रही कतार। नागरिकों सहित अधिकारियों ने दी बधाई। अब खबरें विस्तार से। भाजपा के 10 जून को सिक्टौर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन की तैयारियों को देखते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि 10 जून को भाजपा के गोरखपुर के क्षेत्रीय कार्यालय का 10 जून को उद्घाटन होना, जिसका उद्घाटन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। वही सेवा गरीब कल्याण मेला का शुभारंभ भी करेंगे, जिसमें शासन के द्वारा चल रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया जाएगा और लाभ दिया जाएगा। इस अवसर पर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई, एसपी लाइन राहुल भाटी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अच्छा, हम भी मिलेंगे। अच्छा, आज ही मिले। पार्किंग की जगह होगी टू व्हीलर फोर व्हीलर की, तो वहाँ जब मैंने कर्मचारी बता दिया आपको इतने टू व्हीलर फोर व्हीलर काम के लिए बताइए आप लोग। 300 छोटी गाड़ियाँ, 100 बसेस की गाड़ी। बसेस को कहाँ से लाओ? इधर से ही है, इधर से नहीं जाए। उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद की 87वीं बैठक अध्यक्ष पंडित सुनील भराला की अध्यक्षता में सर्किट हाउस के सभागार में संपन्न हुई। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष पंडित सुनील भराला ने कहा कि श्रम कल्याण परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित पंजीकृत कर कारखानों तथा दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत पुरुष महिला कामगार पात्र होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इन परिवारों के कल्याण के लिए सदैव चिंतित एवं प्रयत्नशील है। उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1965 के अंतर्गत गठित श्रम कल्याण परिषद द्वारा कठोर परिश्रम तथा लगन से श्रमिकों एवं उनके परिवारों के जीवन स्तर में परिषद द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सुधार लाने के निरंतर प्रयास कर रही है। वर्तमान कल्याण परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा 8 योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश श्रम
कल्याण परिषद द्वारा विभिन्न योजनाएं जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक श्रमिक शिक्षा सहायता योजना, गणेश शंकर विद्यार्थी श्रमिक पुरस्कार राशि योजना, ज्योतिबा फूले श्रमिक कन्यादान योजना, चेतन चौहान श्रमिक क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना, श्रवण कुमार श्रमिक परिवार तीर्थयात्रा योजना तथा महादेवी वर्मा श्रमिक पुरस्कार क्रय आर्थिक सहायता योजना आदि संचालित की गई है। उन्होंने योजना के व्यापक प्रचार प्रसार पर बल देते हुए कहा कि संचालित योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। उन्होंने चेतन चौहान क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के संबंध में कहा कि 20 जून से पूर्व टूर्नामेंट कराए जाने की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाए। श्रवण कुमार श्रमिक परिवार तीर्थयात्रा योजना के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना के अंतर्गत कारखानों में कार्यरत श्रमिकों एवं उनके परिवार के तीर्थयात्रा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को ट्रेन के माध्यम से धार्मिक यात्रा कराई जाए और श्रमिकों के हित में संचालित कल्याणकारी योजनाओं से सभी पात्रों को आच्छादित किया जाए। उन्होंने बताया कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत कारखाना वाणिज्यिक अधिष्ठानों दुकानों में काम कर रहे श्रमिकों के पुत्र व पुत्रियों के प्राविधिक शिक्षा में प्रवेश पाने पर हित लाभ प्रदान किया जाता है। योजना का लाभ 2 बच्चों तक देय होगा। उन्होंने ज्योतिबा फूले श्रमिक कन्यादान योजना के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना के अंतर्गत कारखाना में काम कर रहे श्रमिकों की पुत्रियों तथा स्वयं महिला श्रमिकों के विवाह एवं तलाकशुदा परित्यक्ता व विधवा महिला के श्रमिकों के पुनर्विवाह हेतु 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। चेतन चौहान श्रमिक क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कारखानों में कार्यरत श्रमिकों के पुत्र पुत्रियों तथा स्वयं श्रमिक के जिला राज्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में चयन होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिसके अंतर्गत जिला स्तर पर 25,000 रुपए, राज्य स्तर पर 50,000 रुपए, राष्ट्रीय स्तर पर 75,000 रुपए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता अनुमन्य है। इस अवसर पर श्रम कल्याण परिषद के सदस्य राधे कृष्ण त्रिपाठी, कन्हैयालाल भारती, अजीत जैन, मुराहू राजभर के अतिरिक्त अपर श्रम आयुक्त फैसल आफ्ताब, उप श्रम आयुक्त मुख्यालय अभिनव वर्मा, समन्वयक रिजवान, उप श्रम आयुक्त अमित कुमार मिश्र सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बेटा तुम जो स्थान दो आप पीछाओ मान्य सदस्य आप क्या है बदनाम अच्छा तो बोर्ड के सदस्यों को थोड़ा आगे दे दीजिए आप थोड़ा हमारे मुख्यालय से कुमार अध्यक्ष फैसल आफ्ताब साहब का और सभी विशेष आमंत्रित सदस्यों और विभिन्न संगठनों से आए हुए पदाधिकारियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज ये बोर्ड की 27वीं बैठक है और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जानी है। बोर्ड के उनको भेंट कर उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं वो भी वर्क कर रहे हैं, दुकान पे जो काम कर रहे हैं वो भी वर्क कर रहे हैं। तो वर्करों का जो एक एरिया है या जो उनका समूह है वो बहुत अनिश्चित है और अनिश्चितता भरे माहौल में हम लोग समझ नहीं पाते कि वास्तव में श्रम कल्याण परिषद किसके लिए काम कर रहा है, संगठित क्षेत्र क्या है या संगठित क्षेत्र क्या है, ये चीज हम लोगों की जानकारी में नहीं होती। तो सबसे पहले मैं इन दोनों चीजों पर बात कर लूं। संगठित क्षेत्र मोटा मोटा एक ये है कि कोई भी ऐसा प्रतिष्ठान जहाँ पे 10 या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हो, PF वहाँ पे चल रहा हो, ESI से आवत हो, यानी जहाँ पे सोशल सिक्योरिटी के सिस्टम कहीं ना कहीं लागू है संगठित क्षेत्र। दूसरा संगठित क्षेत्र जो किसी दुकान पे काम कर रहा है एक या दो आदमी है, आफ्टर रिटायरमेंट या कोई उसका एक्सीडेंट हो गया या तबियत खराब हो गई
तो ऐसे कोई भी सोशल सिक्योरिटी सिस्टम नहीं उसके पास, वो सारे के सारे लोग असंगठित क्षेत्र में आते हैं। श्रम कल्याण परिषद स्पेशली संगठित क्षेत्र में काम करता है, लेकिन हमारे श्रम कल्याण परिषद के माननीय सदस्यों ने इसका इजाफा या इसका दायरा बढ़ाया है, कुछ ऐसे भी एरिया को इसमें सेलेक्ट किया है जो असंगठित क्षेत्र में है। तो पीजी कर रही है, एमए या कुछ और कर रहे हैं, तो उनको किताबें खरीदने के लिए 7500 रुपये महादेवी वर्मा जी के नाम पे ये स्टार्ट हुआ है ये योजना। तो बहुत सारे हमारे श्रमिक ऐसे होंगे जिनकी बेटियां पढ़ रही होंगी, लड़कियों की शिक्षा को प्रमोट करने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये बहुत कम हमारे पास आवेदन आए। दो योजनाएं हमारे मृत्यु अंत्येष्टि से संबंधित है, कोई श्रमिक 60 साल से पहले डेथ हो जाती है, समस्या क्या है? जी सर, इनकी रिपोर्ट जो है, पंकज जी की रिपोर्ट है, उसके हिसाब से इनका कहना है कि ये लोग आवत नहीं हो सकते। इन्होंने अधिनियम का रेफरेंस दिया है और इन्होंने कहा है कि एक्ट में कहीं पर भी श्रमिक शब्द यूज नहीं हुआ है, हर जगह पर बढ़लगंज पुलिस ने अवैध खनन के मामले में 3 ट्रैक्टर को बरामद किया, जिसके संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने दूरभाष पर बात करते हुए बताया कि बढ़लगंज पुलिस को मुखबिर की सूचना पर ज्ञात हुआ कि देवनाथ यादव के मुर्गी पालन केंद्र के पास खेत में 8 जून की रात्रि करीब 2:15 पर व्यावसायिक उद्देश्य से अवैध रूप से ट्रैक्टर व लोडर से मिट्टी खनन किया जा रहा है। मौके पर पहुंचकर उक्त के संबंध में मिट्टी खुदाई का अनुमति पत्र मांगा गया तो नहीं दिखा सके, जिस पर वहां पर मौजूद 3 ट्रैक्टर टाली एक लोडर को प्राइवेट चालक के सहयोग से थाना परिसर में लाकर खड़ा किया गया व 207 MV एक्ट के तहत सीज किया गया तथा खनन अधिकारी को रिपोर्ट प्रेषित की गई। बरामदगी करने वाले पुलिस टीम में उप निरीक्षक सुनील कुमार मिश्रा, अशोक कुमार पांडे, नीलेश राय हेड कांस्टेबल, वंश नारायण गौड़, दिनेश चंद्र पटेल कांस्टेबल, सत्य प्रकाश तिवारी, श्याम जी यादव, अशोक यादव, विवेक मिश्रा शामिल रहे। भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 वर्ष पूर्ण होने पर देश भर में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 8 जून से 12 जून आइकॉनिक सप्ताह बैंक रोड स्थित भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य शाखा परिसर में कस्टमर आउटरीच मेगा ऋण मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल के द्वारा किया गया तथा शाखा प्रबंधक ने बुके एवं मोमेंटो देकर उनका स्वागत किया। सांसद ने विभिन्न बैंकों के स्टालों का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक सहित अन्य सभी बैंकों में मोदी सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं के अमलीजामा पहनाने में जी जान से जुटे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन समर्थ पोर्टल उपयोग में बहुत आसान है। उन्होंने कहा कि सभी बैंकों को अपने स्तर पर इसका व्यापक प्रचार प्रसार करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक जनता इस पोर्टल के माध्यम से बैंकों से अपनी आवश्यकता अनुसार ऋण प्राप्त कर सके। उन्होंने कहा कि इस मेले में 350 लोगों को वितरित विभिन्न प्रकार के ऋण में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा कुल 75 करोड़ तथा अन्य बैंकों द्वारा 125 करोड़ के लिए ऋण स्वीकृत पत्र वितरित किए गए हैं। इस अवसर पर SBI के DGM संजीव कुमार, बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्र प्रमुख सर्वेश कुमार सिन्हा, बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक अमित रंजन सिंह, कोटक बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक राहुल सहाय, अमित गुप्ता, अभय श्रीवास्तव, योगेश टंडन सहित बैंक के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा, अनुरोध करूंगी कि सर को बुके देकर के सर का स्वागत, अतिथि का स्वागत करें। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज यहाँ पे इस गर्मी में भी यहाँ इतने देर से आज आए हुए हैं और बैठे हुए हैं, उन सब लोगों का स्वागत और उन लोगों को हम लोग धन्यवाद भी प्रेषित करते हैं कि आप इतने गर्मी में भी इस बीच में भी बैठे हुए हैं। आज का इस कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा आइकॉनिक वीक की जो शुरुआत की गई है जन समर्थन पोर्टल लॉन्च करके, उसके तहत ही क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। ये
इस तरह के क्रिएट आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन हम लोग रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं, जिसका पर्पस ये होता है कि हम लोग जन समर्थन के लिए, जब लोगों तक अपने आप को पहुंचाने के लिए, सारे बैंक कर्मी अपने आप को पहुंचाने के लिए इस तरह का आयोजन करते हैं, जिसमें कि कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है कि बैंक जाएंगे तो फिर किस तरह का हमको ट्रीटमेंट दिया जाएगा, तो बैंक खुद ही आगे बढ़ करके इस तरह के प्रोग्राम का आयोजन करता है। और सारे बैंक कर्मी यहाँ पे अपना अपना स्टॉल भी लगाए हैं और अपने अपने प्रोडक्ट्स के बारे में उन जानकारी डिस्प्ले भी किए हैं। को बुलाना चाहूंगी जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के क्लेमेंट हैं, जो नॉमिनी हैं, डेथ क्लेम में उनको 2 लाख रुपए का महिला स्वयं सहायता समूह से दी है। अगले हमारा पंप HPCL से अपने पुराने काम को बेहतर करने के लिए या अपना नया काम खड़ा करने के लिए मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं और ईश्वर से यह आशा व्यक्त करता हूं कि आप शीघ्र से शीघ्र अपने व्यावसायिक कार्य में सफल हों, जो ऋण आपने लिया है उसे वापस करें, अगला और बेहतर और बड़ा लिख करके अपने व्यवसाय को और भी समृद्ध बनाएं, ईश्वर से मेरी ऐसी प्रार्थना। मैं आभारी हूँ समस्त अधिकारियों का जिन्होंने इस प्रत्यक्ष रूप से जन सरोकार से जुटे हुए कार्यक्रम में मुझे अपने बीच में उपस्थित होने का अवसर दिया। इन कार्यक्रमों से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं पिछले 20-25 साल से सामाजिक जीवन जी रहा हूं और हर रोज जब हम लोग नए नागरिक समूहों के बीच में आते हैं तो हर समूह कुछ न कुछ हम लोगों को सिखा करके जाता है। वो महिला जो 50,000 रुपये ऋण लेकर के काम करना चाहती है या RCT की ये बहनें जो लाख रुपए लेकर अपना काम खड़ा करेंगी, वो बच्चे जो बाहर पढ़ना चाहते हैं इसके लिए 40-45 लाख रुपए का लोन लेने का रिस्क ले रहे हैं, या जो भारत के अंदर पढ़ना चाहते हैं, आज यह सब कुछ एक नई परंपरा का द्योतक है। आज से 5-10 साल पहले यह सब कुछ सुनने में नहीं आता था। पैसे के अभाव से बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं पाते थे। आपके मन में बहुत सी कल्पनाएँ होती थी, बहुत सी योग्यताएँ होती थी, लेकिन धन एक महत्वपूर्ण संसाधन है जिसके तक आप पहुंच नहीं पाते थे, इसलिए आपकी प्रतिभा दबी रह जाती थी। Thank you.
बैंकों की चर्चा हो रही है ना, दो बैंक ऐसे हैं तो बड़ी देर से बैठी है लड़की, तुम खुद ही चलाती हो या पहली बार चलाओगे? ये जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना है, हर उस नागरिक को जिसके अंदर थोड़ी सी भी उद्यमशीलता है और आगे बढ़ना चाहता है, धन की कमी से उसका विकास न रुके, वो न सिर्फ स्वयं कमाए बल्कि दूसरों को रोजगार देने की स्थिति में आए। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री शुरू से कहते थे, हम नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनाना चाहते हैं। आज मैं इस मंच पे पूछ रहा था, कोई 5 आदमियों की नौकरी दे रहा है, कोई 10 आदमियों की नौकरी दे रहा है, किसी संस्थान में 20-25 आदमी काम कर रहे हैं, छोटी छोटी पूंजी से 5 लाख 10 लाख 20 लाख की पूंजी से हर आदमी 5, 10, 15, 20, 25 लोगों को नौकरियां दे रहा है। मोदी जी की रोजगार की यही अवधारणा थी और मैं आभारी हूँ बैंक के सभी सम्मानित पदाधिकारियों का, सभी मैनेजर्स का, जो मोदी जी के सपनों को साकार करने के लिए उनके साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। और यहाँ तक कि पहले ज़माने में जब होता था कि जब तक आपके पास गारंटी नहीं होगी ऋण नहीं मिलेगा, आज वो बिना सुरक्षा और गारंटी के नागरिकों को ऋण दे रहे हैं, जिससे कि देश के विकास की परिभाषा देश के नागरिकों के विकास की होती है। देश चंद लोगों के विकास से नहीं, देश सामान्य लोगों के विकास से जुटता है। और मैं मुझे बहुत खुशी है, समाज के अत्यंत गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों ने ऐसी योजना का लाभ लिया है, मैं बैंक कर्मियों को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक में जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 10 जून को प्रस्तावित भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन की तैयारियों के मद्देनजर एडीजी जोन अखिल कुमार व मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने संबंधित अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण, कार्यों को जल्दी पूरा करने के लिए दिए आवश्यक दिशा निर्देश। उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद की 87वीं बैठक अध्यक्ष पंडित सुनील भराला की अध्यक्षता में हुआ संपन्न, कहा श्रमिकों को जल्द ही मुफ्त कराया जाएगा धार्मिक यात्रा। अवैध खनन के मामलों में 3 ट्रैक्टर ट्राली एवं 1 लोडर व ट्रैक्टर इंजन को बड़हलगंज पुलिस ने किया बरामद, सीज कर की जा रही है विधिक कार्यवाही। भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य शाखा परिसर में विभिन्न बैंकों के कस्टमर आउटरीच मेगा ऋण मेले का किया गया आयोजन। नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने 350 लोगों को लगभग 200 करोड़ के ऋणों की स्वीकृति पत्र को किया वितरित, कहा जन समर्थ पोर्टल उपयोग में है बहुत आसान। उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष पंडित सुनील भराला मीडिया से हुए रूबरू, कहा श्रम कल्याण परिषद के द्वारा श्रमिकों के बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए 25,000 प्रति सेमेस्टर की दी जाएगी सहायता, पात्र व्यक्ति ले सकेंगे लाभ। मार्कंडे चंद स्मारक यूनिक सनराइज यूपी स्टेट प्राइज मनी अंडर 13 बैडमिंटन प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ, पूरे प्रदेश से लगभग 200 बालक बालिका कर रहे हैं शिरकत, एमएलसी सीपी चंद ने प्रतियोगिता का किया विधिवत शुभारंभ। और मंगलवार को जिलाधिकारी विजय किरण आनंद का स्कूली शिक्षा के महानिदेशक सहित अन्य पदों पर तबादला होने पर बुधवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में बधाई देने वालों की लगी रही कतार, नागरिकों सहित अधिकारियों ने दी बधाई। पेगस निशान गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने, जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट नौसर गोरखपुर।
हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निसान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। को मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राई क्लीन भी करवाएं। दो की ड्राई क्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष पंडित सुनील भराला मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि श्रम कल्याण परिषद द्वारा जो श्रमिक हैं उनको लाभ देना ही हमारी पहली प्राथमिकता है और सबसे पहली प्राथमिकता श्रमिकों के परिवारों को धार्मिक व पर्यटन यात्रा कराना, जिसके लिए एक ट्रेन चलाई जाएगी जो कि धार्मिक यात्रा करवाएगी और श्रमिकों को अलग अलग जगहों पर यात्रा करवाएगी, जिसकी शासन से स्वीकृति लेकर यात्रा को बहुत जल्द शुरू करवाया जाएगा। उन्होंने कहा, श्रम कल्याण परिषद ने निर्णय लिया है कि जो अस्पताल, विद्यालय, महाविद्यालय, प्रेस में काम करने वाले श्रमिक हैं जो कि श्रम विभाग में पंजीकृत हैं, उन सभी श्रमिकों को श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा जो प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं उनमें काम करने वाले श्रमिकों को भी श्रम विभाग पंजीकरण करेगा। उन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री को एक पत्र दिया जिसमें बताया कि जो श्रम विभाग की कब्जे वाली जमीन है, जिसमें 37,000 ऐसे आवास हैं जिन पर कब्जा है, उसका निर्णय लेकर खाली करवाया जाए। उन्होंने कहा, जो श्रमिक के बच्चे हैं जो कि हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, उनकी सुविधा के लिए धनराशि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अब उनको 25,000 रुपए सेमेस्टर दिया जाएगा जो कि पात्र होंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष पंडित सुनील भराला ने कहा, श्रम कल्याण परिषद द्वारा जो श्रमिक हैं उनको लाभार्थ देना हमारी प्राथमिकता है और सबसे पहली प्राथमिकता श्रमिकों के परिवारों को धार्मिक और पर्यटन यात्रा कराना, जिसके लिए हमने एक ट्रेन की आज निर्णय लिया है कि पूरे प्रदेश में धार्मिक यात्रा को लेकर के ट्रेन के माध्यम से जारी करेंगे और अलग अलग स्थानों पर रुकेगी। उसके साथ में आवश्यकता पड़ रही है कि इसके एक्ट में बहुत सारे सुधार करने की, तो इसको बहुत जल्दी ही जो विचाराधीन है शासन में उसको लंबित को पूर्ण कराया जाएगा और श्रमिकों के हित में लेकर के कल्याणकारी योजनाओं को नीचे क्रियान्वयन कराया जाएगा। हमने ऐसे चीज़ों पर भी आज बोर्ड ने निर्णय लिया है कि जहां अस्पताल में काम करने वाले हैं या महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में काम करने वाले जो श्रमिक हैं और जो ऐसे अपने प्रेस हैं या फिर आदि जो वाणिज्य कर्म में पंजीयन है, जिनका प्रतिष्ठान है, प्रेस है, जो अपनी जहां प्रिंटिंग है, इन सारी चीज़ों को कवर किया जाए। जहां श्रमिक काम कर रहा है, जहां वाणिज्य कर्म में पंजीयन है, उनको श्रम कल्याण परिषद की योजनाओं का लाभ दिया जाए। जो प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं वो
निश्चित रूप से व्यापार की दृष्टिकोण से चल रहे हैं और वहाँ श्रमिक बड़ी संख्या में काम करते हैं, उन कर्मचारियों को भी जुडिक्शन में लाने का निर्णय लिया गया। अभी विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री जी को एक पत्राचार दिया था और उस पर हमने ये बात की है कि जितने भी उत्तर प्रदेश के लगभग ये 37,000 ऐसे आवास हैं उनका निर्णय लिया जाए और वो निर्णय करके उनको निस्तारण किया जाए। अगले 15 दिन के अंदर इसका निस्तारण किया जाएगा। अगर कहीं है, कहीं अरबी भाषा में अगर नोटिस जारी हो रहा है उस पर रोक लगवाई जाएगी और हिंदी भाषा में वो जाएगा। यह भी बताया कि श्रम विभाग के जो मजदूर हैं उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए श्रम विभाग आज, हाँ ये बड़ा निर्णय लिया गया है, जो अपने श्रमिक परिवार के बच्चे हैं जो हायर एजुकेशन में है या फिर टेक्निकल शिक्षा में है या अन्य डिप्लोमा में है उनके लिए आज धनराशि बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है। उनको अब 25,000 रुपये पर सेमेस्टर दिया जाएगा, 15 से बढ़ा करके 25 किया गया। ये सभी जो उसके लाभार्थी और जो पात्र हैं, जो बच्चे जो श्रम कल्याण परिषद की योजनाओं को लाभ पाने वाले पात्र व्यक्ति हैं उन सबको इनका लाभ दिया जाएगा। जो श्रमिक कार्ड बने उनके खाते में पैसे नहीं जा रहे हैं, उसका एक समय निर्धारण था कि 30 अक्टूबर था, कितना था वो अमित मिश्रा जी, कि उसका निस्तारण 10 तक का जो लास्ट था उनका सबका पेमेंट कर दिया गया है और उसके आगे के जो पंजीयन है उस पर सरकार अब विचार करेगी। बुधवार को 8 जून से 10 जून तक चलने वाले मार्कंडे चंद स्मारक यूनिक सनराइज यूपी स्टेट प्राइज मनी अंडर 13 बैडमिंटन प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ धर्मपुर स्थित लेविंस बैडमिंटन एकेडमी में किया गया। इस प्रतियोगिता में विजेता और उपविजेता को 1,00,000 नकद पुरस्कार दिया जाएगा। पूरे प्रदेश से लगभग 200 बालक बालिका इस बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्टेट लेवल पर प्रतिभाग कर रहे हैं। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय मार्कंडेय चंद के पुत्र एमएलसी सीपी चंद ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर एवं बैडमिंटन प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे बच्चों से परिचय प्राप्त कर किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय मार्कंडेय चंद खेलों के शौकीन थे, उनकी स्मृति में प्रत्येक वर्ष बैडमिंटन प्रतियोगिता कराते आ रहे हैं, इस वर्ष भी स्टेट स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर से बैडमिंटन के क्षेत्र में बड़े प्रतिभाशाली खिलाड़ी हुए हैं, सैयद मोदी जनपद से ही निकलकर नेशनल चैंपियन रहे। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश से 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों ने बैडमिंटन चैंपियनशिप का हिस्सा बने। जनपद में इस प्लेटफॉर्म से लोकल बच्चे आगे जाने में सक्षम होंगे। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय मार्कंडेय चंद के पुत्र अरुण चंद, गोरखपुर बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव राजित श्रीवास्तव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष मनकेश्वर नाथ पांडे एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय मार्कंडेय चंद के पुत्र एमएलसी सीपी चंद ने कहा, थोड़ा फ्रेश खाना तो लेना ही पड़ेगा।
मार्कंडेय चंद जो कि उत्तर प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री भी रहे और एक सामाजिक और राजनीतिक व्यक्ति इस पूर्वांचल के थे, उनके स्मृति में यह प्रतियोगिता प्रारंभ हुई है। उत्तर प्रदेश बैडमिंटन संघ के द्वारा यह मान्यता प्राप्त है और इस प्रतियोगिता में पूरे प्रदेश से सभी जिलों से लगभग 125 के आसपास बच्चे भाग ले रहे हैं। यहाँ पे सिंगल और डबल्स दोनों प्रतियोगिताएँ होंगी। ये जो नई पौध है बैडमिंटन में अंडर 13, सबसे पहला प्रतियोगिता का यही चरण होता है। यहाँ से बच्चे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो हम लोगों ने गोरखपुर में अंडर 13 इस प्रतियोगिता का आयोजन कराया है। यह 3 दिन चलेगी, 8, 9, 10 जून। 10 जून को पुरस्कार वितरण होगा। आज इसका उद्घाटन हमारे मत्स्य पालन मंत्री माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी के द्वारा किया जाएगा और निश्चित रूप से जितने प्लेयर पूरे प्रदेश से आए हैं उनके लिए एक बड़ा अवसर है। हमारी गोरखपुर की बेटी आदित्या, जिसने मूक बधिर में गोल्ड मेडल ब्राज़ील में जीता था टीम के साथ, वो भी इस प्रतियोगिता में भाग ले रही है जनरल कैटेगरी में। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी प्रतियोगिता, एक अच्छा खेल नगर को देखने को मिलेगा और जो हमारे गोरखपुर के बच्चे हैं उनको पूरे प्रदेश के बच्चों के साथ एक अच्छी प्रतियोगिता करने को मिलेगी, जिससे उनके खेल में सुधार होगा। देखिए, ये पिछले साल से हम लोगों ने शुरू किया है हमारे पिता स्वर्गीय मार्कंडेय चंद के नाम पे एक बैडमिंटन की प्रतियोगिता की शुरुआत हम लोगों ने पिछले साल की थी। इस बार जो है उन्हीं के नाम पे, पहले तो वो रीज़न वाली थी पिछली बार, इस बार प्रदेश की ये प्रतियोगिता है अंडर 13 की। और चूंकि स्वर्गीय मार्कंडेय चंद जी इस प्रदेश के स्पोर्ट्स मंत्री भी रहे, उनका एक लगाव रहा इस खेल के प्रति, उनके मन में एक ये भावना रही कि हमारे प्रदेश के जो बच्चे हैं उनको सुविधाएं अच्छी मिले और खेल के क्षेत्र में भी, क्योंकि खेल का जीवन के अंदर उनके जीवन के अनुशासन के लिए खेल का बहुत बड़ा स्थान है। तो ये हमेशा से उनका उनकी एक कामना रही, इच्छा रही कि खेल का पूरा प्रोत्साहन मिलना चाहिए। तो बहुत ही अल्प समय के लिए वो इस प्रदेश के खेल मंत्री रहे और उस अल्प समय में ही 1-2 स्टेडियमों का निर्माण उन्होंने करवाया था। लखनऊ में भी एक स्टेडियम का निर्माण हुआ था, जिसको बाद में अंबेडकर पार्क के विस्तार में उसको तोड़ दिया गया था। उस स्टेडियम का भी उद्घाटन उन्होंने ही किया था, लेकिन अब उनके उस भावना का ही हम लोग आदर करते हुए उनके नाम पे एक इस तरीके की प्रतियोगिता का शुरुआत किए हैं। देखिए, क्रिकेट की तो धूम बहुत ज़्यादा है, उसका बहुत ज़्यादा आकर्षण है और मीडिया और लोगों के बीच में उसकी पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन और भी ऐसे तमाम स्पोर्ट्स हैं, ऐसे गेम्स हैं जिसको प्रमोट करने की आवश्यकता है और जिसमें हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, ज़िले में उसमें प्रतिभाएं हैं, उनको
उचित प्लेटफॉर्म देने की आवश्यकता है। आज यहाँ देखिए मंकेश्वर पांडे जी बैठे हुए हैं, राजीव जी बैठे हुए हैं, इन लोगों ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर रखा है और इतने व्यस्तम समय के बाद भी ये लोग पूरा पूरा दिन जो है टूर्नामेंट में देते हैं, तो इस तरीके के कमिटमेंट का एक इस तरीके का एक जो वातावरण मिला हुआ है गोरखपुर में, और गोरखपुर ने पहले भी बैडमिंटन के क्षेत्र में बड़े प्रतिभाशाली खिलाड़ी दिए हुए हैं। सैयद मोदी यहीं से निकल के गए हैं, उन्होंने देश को रिप्रेजेंट किया, नेशनल चैम्पियन रहे। तो ऐसे तमाम बच्चे हैं जिनको अगर हम सुविधा दें, उनको एक उचित प्लेटफॉर्म दें, तो वो जिले का और प्रदेश का, देश का नाम जो है गौरवान्वित कर सकते हैं। तो इस दिशा में हम लोगों ने, सारे लोगों ने मिल करके एक इस आयोजन को प्रमोट करने का निर्णय लिया, और आज आप स्वयं देख रहे होंगे कि पूरे प्रदेश से बड़ी संख्या में बच्चे जो है पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं, बच्चियां पार्टिसिपेट करने के लिए आई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अवसर मैं समझता हूँ कि गोरखपुर ज़िले में इस तरीके का आयोजन हो रहा है, इस तरीके का प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जिससे लोकल बच्चे जो हैं उसमें जुड़ करके अपने आप को आगे ले जाने में सक्षम होंगे। इसी दिशा में ये एक प्रयास है और हम लोग उस कोशिश में लगे हुए हैं। कितने दिवस का है? 3 दिन का है ये, आज इसकी शुरुआत हुई है, कल नहीं परसों इसका समापन हो जाएगा। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद का तबादला होने के बाद बुधवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में बधाई देने वालों की भीड़ लगी रही। आपको बता दें कि मंगलवार की शाम को ही शासन ने जिलाधिकारी विजय किरण आनंद का स्कूली शिक्षा के महानिदेशक, बेसिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव, सर्व शिक्षा अभियान के निदेशक, कुंभ मेला प्रभारी के पद पर तबादला कर दिया। वही तबादला की सूचना मिलने पर नागरिकों सहित अधिकारियों की बधाई देने वालों का तांता लगा रहा, क्योंकि जिला अधिकारी विजय किरण आनंद ने चौपाल लगाकर जनता की समस्याओं का निस्तारण करके लोगों के दिलों में जगह बनाया था और शासन की तरफ चल रही योजनाओं का 100% क्रियान्वयन करवाया करते थे। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 10 जून को प्रस्तावित भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन की तैयारियों के मद्देनजर एडीजी जोन अखिल कुमार व मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने संबंधित अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण, कार्यों को जल्दी पूरा करने के लिए दिए आवश्यक दिशा निर्देश। उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद की 87वीं बैठक अध्यक्ष पंडित सुनील भराला की अध्यक्षता में हुआ संपन्न, कहा श्रमिकों को जल्द ही मुफ्त कराया जाएगा धार्मिक यात्रा। अवैध खनन के मामलों में 3 ट्रैक्टर ट्राली एवं 1 लोडर व ट्रैक्टर इंजन को बड़हलगंज पुलिस ने किया बरामद, सीज कर की जा रही है विधिक कार्यवाही। भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य शाखा परिसर में विभिन्न बैंकों के कस्टमर आउटरीच मेगा ऋण मेले का किया गया आयोजन। नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने 350 लोगों को लगभग 200 करोड़ के ऋणों की स्वीकृति पत्र को किया वितरित, कहा जन समर्थ पोर्टल उपयोग में है बहुत आसान। उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष पंडित सुनील भराला मीडिया से हुए रूबरू, कहा श्रम कल्याण परिषद के द्वारा श्रमिकों के बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए 25,000 प्रति सेमेस्टर की दी जाएगी सहायता, पात्र व्यक्ति ले सकेंगे लाभ। मार्कंडे चंद स्मारक यूनिक सनराइज यूपी स्टेट प्राइज मनी अंडर 13 बैडमिंटन प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ, पूरे प्रदेश से लगभग 200 बालक बालिका कर रहे हैं शिरकत, एमएलसी सीपी चंद ने प्रतियोगिता का किया विधिवत शुभारंभ। और
मंगलवार को जिलाधिकारी विजय किरण आनंद का स्कूली शिक्षा के महानिदेशक सहित अन्य पदों पर तबादला होने पर बुधवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में बधाई देने वालों की लगी रही कतार, नागरिकों सहित अधिकारियों ने दी बधाई। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।